Yeah, he's the star of the show today, Haseebullah Khan. What a brilliant knock by him, Haseebullah. PSL में आके इस तरह से परफॉर्म करना, स्पेशली जब आपकी टीम मुश्किल में थी, तो क्या सोचा था उस वक्त, यू नो, इतनी यंग एज पे आके इतनी मैच्योर परफॉर्मेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने रन करवाए। बिल्कुल यही सोचता, क्योंकि मैं प्रैक्टिस मैचेस भी खेल रहा था पीछे, तो उसी में भी मैंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, तो डेरन समी यही कह रहा था कि आप में एबिलिटी है, जाके अपना जो आपकी नेचुरल गेम है वही खेले, तो मैंने वही खेला और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ उसमें। अच्छा, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और 200 भी थे इनके भी पाकिस्तान कप में, सो एक वो जो अच्छा फॉर्म होता है उससे कितना फ़ायदा होता है कि जब आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि आपने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है? बिल्कुल, डोमेस्टिक से परफॉर्म करता आ रहा हूँ, तो प्लान यही था कि जब भी मौका मिलेगा मुझे तो मैं अपनी टीम के लिए अच्छा करूँगा, वही हुआ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला और अल्लाह ने कामयाबी दी। बैटिंग आइडल कौन है आपका? वैसे तो मैं सईद अनवर को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को आइडियल बना। वालिद साहब ने बड़ा सपोर्ट किया आपको क्रिकेट में ओवरऑल? जी बिल्कुल, वही सपोर्ट करता है और वही मुझे बॉलिंग कराता है, तो मैं उसी को आइडियल मानता हूँ। अच्छा, और टारगेट के बारे में क्या कहेंगे? जब शुरुआत हुई थी तो लग नहीं रहा था कि 198 होगा, लेकिन अच्छा स्कोर हो गया। पहले तो मैं कोडमोर से बात कर रहा था, मैंने कहा कि ये विकेट ऐसा है कि अगर हम 4-5 ओवर खेल लें यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा रन बन सकते हैं, क्योंकि बल्ले पे बॉल आ रहा था, तो वही हुआ, थोड़े से ओवर हमने लिए तो बहुत अच्छा टारगेट बना। चलें, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच।